शहरों की खूबसूरती अक्सर लोग ऊंची इमारतों से नापते हैं, पर क्या है ना, हमारे शहर में ऐसी ऊंची इमारतें हैं नहीं, पर हाँ यहाँ की खूबसूरती यहाँ के लोगों से है, यहाँ से जुड़ी यादों से और यहाँ की गलियों से। वो क्या है ना, छोटे शहरों में लोगों का दिल बड़ा होता है। मुजफ्फरपुर बिहार का एक शहर। अब यूं तो ये अपने लीचियों के लिए जाना जाता है, पर क्या है ना कि अभी लीची का सीजन है नहीं, तो वो हम लीची के बगान आपको दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। पर बाकी बहुत कुछ है दिखाने के लिए। वो गाना सुना है आपने, आसमान कम है परिंदे ज़्यादा है, जाने तेरे शहर का क्या इरादा है, ऐसे ही कुछ समझ लीजिए, बस सड़कों से ज़्यादा लोग और गाड़ियाँ हैं यहाँ। ऑटो आज भी शेयरिंग में चलता है, हाँ मतलब अब ई रिक्शा आ गया है, पर शेयरिंग वाले ऑटो में वाइब अलग है ना। और हाँ, चाहे भीड़ जितनी हो, गाड़ी चलाने का मज़ा आज भी यही आता है। वो क्या है कि गलियाँ जानी पहचानी सी है ना। अब वैसे शहर पुराना होते होते तरक्की भी कर रहा है, मतलब बड़े सारे कैफे वैफे खुल गए, तो कभी अब चार दोस्तों के साथ वापस आओ तो ये मत सोचना कि यार बैठेंगे कहाँ। बाकी अगर आपको नुक्कड़ की चाय वाली याद ताज़ा करनी हो तो अलग बात है। यही नहीं, हमारे यहाँ एक मिनी मरीन ड्राइव भी है भाई, मरीन ड्राइव लाइट, सिकंदरपुर स्टेडियम के पास। अब समुंदर किनारे नहीं है, पर सनराइज और सनसेट का मज़ा तो यहाँ से आता है। और बाकी आपको बाबा गरीबनाथ के बारे में तो पता ही होगा, तो यहाँ आके भी एक बार दर्शन ज़रूर कर लें। वो क्या है ना, अब यहाँ पे नैवेद्यम वाला लड्डू मिलने लगा है बाहर में, मजा ले, इससे बेहतर लड्डू आपको पूरे दुनिया में कोई और खिला दे। अब बाकी आपसे वाइब्स की और यादों की क्या बात करें, MIT में आप झगड़े कम होते हैं, और LS कॉलेज यानी कि लंगट सिंह कॉलेज आज भी बिल्कुल हरा भरा सा है, मतलब अच्छा लगता है कभी जाके बैठ जाओ तो। वीडियो में इतना ही था, सोचे जरा आपको अपना शहर घुमा दे। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी रिलेट कर पाए, या अगर मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, या फिर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने मुजफ्फरपुर के पुराने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, या किसी को बुलाना चाहते हैं तो उनको दिखाइएगा। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइबर क्या करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, उससे क्या होगा, जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा घंटी बज जाएगी और आपको पता चल जाएगा। और बस फिर लाइक वाइक करके कमेंट में कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो दे दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा।